किसी ने बहुत सही कहा है कि हर रिश्ते की नींव विश्वास पर टिकी होती है। अगर विश्वास टूट जाता है तो संबंध अपने आप टूट जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस के सिंह और आज पेश है एक राजा और एक फ़कीर की दोस्ती की कहानी, जो हमें सिखाएगी कि संबंधों को मजबूत बनाने के लिए, संबंधों को अच्छा बनाने के लिए एक दूसरे पर विश्वास करना कितना ज़रूरी है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक राजा हुआ करता था और वो एक फ़कीर से बहुत प्रभावित था। उसने अपने नौकरों को आदेश दिया कि इस फ़कीर को बहुत सारा धन दिया जाए और उस फ़कीर से कहा कि ये धन ले जाओ और तुम भी ऐशो आराम की ज़िंदगी जियो। लेकिन उस फ़कीर ने कहा कि राजन, मैं आपका धन नहीं ले सकता। आप इस जनता के राजा हैं और मैं अपने मन का राजा हूँ, इसलिए मैं आपका धन नहीं लूँगा। मेरी ज़िंदगी जैसी भी है, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ। उस फ़कीर की यह बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और राजा ने उस फ़कीर को अपना दोस्त बना लिया। एक बार राजा शिकार खेलने के लिए गया और वो साथ में उस फ़कीर को भी ले गया। शिकार खेलते खेलते वो वनों में बहुत दूर निकल गए। अब उनको भूख और प्यास भी सताने लगी। फलों का सीजन ना होने की वजह से उन्होंने बड़ी मुश्किल से दो अलग अलग पेड़ों से दो फल तोड़े। अब एक फल का कलर तो पीला था और दूसरे फल का कलर लाल था। वहाँ पे कोई चाकू वगैरह तो था नहीं, इसलिए राजा ने अपनी तलवार से ही उन फलों के चार चार पीस बना दिए और उस फ़कीर से कहा कि दो पीस तुम पीले फल के खा लेना और दो पीस लाल फल के खा लेना और बाकी जो दो दो पीस बचेंगे उनको मैं खा लूँगा। अब फ़कीर ने पीले फल का एक पीस खा लिया। उसके बाद उसने लाल फल का एक पीस उठाया और उसको थोड़ा सा खाया और वापस रख दिया और कहने लगा कि ये फल मुझे स्वादिष्ट नहीं लग रहा, ये फल मीठा नहीं है। उसने पीले फल का एक पीस और खा लिया। अब जैसा कि राजा ने कहा था कि तुम्हें दोनों फल में से दो दो पीस खाने हैं, तो अब उसको रेड फल का एक पीस लेना चाहिए था। लेकिन उसने राजा से कहा कि राजन, मुझे पीला फल ही बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, बहुत मीठा लग रहा है, आप इसी को मुझे खाने दीजिए। और उसने उसका तीसरा पीस भी खा लिया। और जैसे ही उस फ़कीर ने उस पीले फल का लास्ट पीस खाने की कोशिश की तो राजा ने उसको रोक दिया और राजा ने कहा कि रुको, सुनो, तुम मेरे दोस्त ज़रूर हो, मेरे मित्र ज़रूर हो, लेकिन मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी तो भूख लगी है और भला स्वादिष्ट फल को कौन नहीं खाना चाहेगा, इस लास्ट पीस को मैं खाऊँगा। फ़कीर ने मना किया लेकिन राजा नहीं माना। राजा ने उस पीले फल के लास्ट पीस को उठाया और जैसे ही उसने उसको खाया उसने वापस से उसको बाहर थूक दिया और कहने लगा कि तुम पागल तो नहीं हो, ये इतना कड़वा फल है और तुमने इसको मीठा बताया और तुम इसको मीठा बताकर इसके तीन पीस खा गए और लास्ट का पीस भी खाने के लिए तैयार थे। अब राजा ने उस लाल फल में से एक पीस उठाया और उसको खाया तो वो लाल फल वास्तव में बहुत मीठा था, बहुत स्वादिष्ट था। अब राजा चक्कर में पड़ गया। उसको समझ नहीं आया कि आखिर ये माजरा क्या है। उसने फ़कीर से पूछा, तो मुझे ये बताओ कि जो फल कड़वा था तुम उसको मीठा बताकर खाते रहे और जो फल वास्तव में मीठा था तुमने उसको नहीं खाया, तुमने ऐसा क्यों किया? तब उस फ़कीर ने कहा कि देखिए राजन, आप मेरे मित्र हैं, आप मेरे दोस्त हैं और एक दोस्त होने के नाते ये मेरा फ़र्ज है कि कड़वा फल मैं खाऊं और मीठा फल आपको खाने के लिए दूं। बस इसीलिए मैंने ऐसा किया। फ़कीर की ये बातें सुनकर राजा की आँखों में आंसू आ गए और राजा ने उस फ़कीर को अपने सीने से लगा लिया। ये छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है दोस्तों। ये कहानी सिखाती है कि हर रिश्ता विश्वास की एक ऐसी डोर से बंधा होता है जो आँखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर विश्वास की ये डोर टूटती है तो रिश्ते अपने आप टूट जाते हैं। इसलिए संबंधों को मजबूत बनाने के लिए, संबंधों को मधुर बनाने के लिए एक दूसरे पर विश्वास कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। तो यही थी आज की कहानी। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।